Hello everyone, welcome to Ashwamedh Vidyalay. Myself is Sheikh. Students, in this video we are going to learn in our supplementary reader chapter number 2, The Friendly Mongoose. Here we see the short summary which is tell us about the story. A farmer, his wife and their small child lived in a village. एक farmer है, उनकी wife है और एक छोटा सा baby है जो village में रहते हैं. There was also a baby mongoose in the house. और house में एक baby mongoose भी है who they believe would be their son's companion and friend in future. जिसके बारे में family का ऐसा सोचना है कि वो जो mongoose है वो बड़ा होके उनके बच्चे का companion साथी बनेगा. One day the farmer and his wife went out leaving the child alone with the mongoose. अब एक दिन farmer और उनके wife बच्चे को जो है वो जो मोंगूस है उसके साथ में अकेला छोड़ के बाहर गए. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. वंस अ फार्मर एंड हिज वाइफ लिव इन अ विलेज विद द स्मॉल सन. दे लव हिम वेरी मच. वी मस्ट हैव अ पेट, द फार्मर सेड टू हिज वाइफ वन डे. व्हेन आवर सन ग्रो अप ही विल नीड अ कंपेनियन. दिस पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन. हिज वाइफ लाइक द आइडिया. एक दिन क्या होता है, एक वक्त की बात है कि जब फार्मर और उनकी वाइफ विलेज में रहते थे, उनका एक स्मॉल सा बेबी था. वो एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे. एक दिन उनके हस्बैंड ने कहा कि हमें एक पेट की ज़रूरत है जो बड़ा होके हमारे जो छोटा बच्चा है उसका कंपेनियन बने, उसका साथी बने. तो ये आइडिया उनकी वाइफ को बहुत अच्छी लगी. वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट विथ हिम अ टाइनी मोंगूस. एक दिन फार्मर अपने साथ में एक छोटा सा टाइनी मोंगूस यानी कि नेवले को खरीद के लेके आए. इट्स अ बेबी मोंगूस, सेड हिज वाइफ. वाइफ ने जैसे ही मोंगूस को देखा उन्होंने कहा कि ये तो बेबी मोंगूस है, बट विल सून बी फुल्ली ग्रोन. ही विल बी अ फ्रेंड टू अवर सन. तो हस्बैंड ने कहा कि जब ये बड़ा हो जाएगा तो ये हमारे जो बच्चा है उसका फ्रेंड बनेगा. बोथ द बेबी एंड मोंगूस ग्रो. बेबी और मोंगू दोनों बड़े होने लगे. इन अ 5 or 6 month द मोंगूस हैड ग्रोन टू इट्स फुल साइज. अ लवली एनिमल विद द 2 shiny ब्लैक आइज एंड अ बूशी टेल. अब वक्त जाता गया और 5 or 6 month में जो मोंगूस है उसका फुल्ली ग्रो हो गया, फुल साइज में ग्रो हो गया. उसका कुछ लुक ऐसा था कि लवली एनिमल विथ 2 shining ब्लैक आइज थे उसके और बूशी टेल थी. एंड द फादर सन वॉज स्टिल अ बेबी इन द क्रैडल स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली. और जो फार्मर्स का बच्चा है, जो चाइल्ड है छोटा सा, वो अभी भी छोटा ही है क्योंकि 5 or 6 month ही हुए है. नाउ अ बेबी इन द क्रैडल स्लीपिंग एंड क्राइंग. बेबी जो है क्रैडल में, क्रैडल मीन्स जो पालना होता है, लुक एट हियर, जो पालना जिसे बोलते हैं उसमें सोया हुआ है बेबी, रोता रहता है और उसका जो वर्क है अल्टरनेटली चलता रहता है. वन डे द फार्मर वाइफ वांटेड टू गो द मार्केट. एक दिन फार्मर की वाइफ जो है उनको मार्केट में जाना था. सी फेड द बेबी एंड रॉक हिम टू स्लीप इन हिज लिटल क्रेडल. उन्होंने बेबी को खाना खिला दिया और फिर बाद में उसको क्रेडल में सुला दिया. पिकिंग अप द बास्केट सी सेड टू हर हस्बैंड आई एम ऑफ द बाजार. द बेबी इज स्लीपिंग, कीप एन आई ऑन हिम. अब क्या होता है कि जो मम्मा है वो बास्केट, पिकिंग अप द बास्केट, बास्केट उठाते हुए हस्बैंड को कहते हैं कि मैं बाजार जा रही हूँ, बेबी जो है वो यहाँ पे सोया हुआ है, घर के अंदर सोया हुआ है, तो आप आपकी आंखें जो है बेबी के ऊपर रखना, मतलब उस पर ध्यान रखना. फ्रेंकली आई डोंट लाइक टू लीव द चाइल्ड अलोन विद द मोंगूस. और मैं फ्रेंकली बता देती हूँ कि बेबी को जो अलोन यानी अकेला इस मोंगू के साथ रखना मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए आप यहीं पे रहना. यू नीडंट बी अफ्रेड सेड द फार्मर. द फार्मर ने कहा कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई चिंता करने की, फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है. द मोंगू इज़ अ फ्रेंडली एनिमल. मोंगू जो है बहुत ही फ्रेंडली एनिमल है. इट्स एज अ स्वीट एज अवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट फ्रेंड यू नो. और फिर उनके हस्बैंड ने कहा कि वो उतना ही स्वीट है, मोंगूस उतना ही स्वीट है जितना कि हमारा बेबी, और वो दोनों बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड है और ये तुम्हें पता है. द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड नॉट फार अवे. और फिर
वहाँ से वाइफ जो है वो चले जाते हैं, और फार्मर के पास घर में कोई काम नहीं होता है, इसलिए वो सोचते हैं कि मैं फील्ड में जाके आता हूँ, जो बहुत दूर नहीं है, जो ज़्यादा थोड़ा सा नज़दीक ही है। ही रन इंटू सम फ्रेंड्स ऑन द वे बैक एंड डिडंट रिटर्न फॉर क्वाइट सम टाइम। और वो फिर फील्ड की ओर चले गए, जहाँ पे उनको उनके कुछ फ्रेंड मिल गए और वो उनके साथ बातें करने लग गए, और वो वहाँ से थोड़ी देर के बाद आने वाले थे जो नहीं आए, और वहाँ से बातों में लग गए। और फिर बच्चा जो है अब अकेला है किसके साथ में, मोंगूस के, और फार्मर वापस रिटर्न नहीं आते हैं। द फार्मर वाइफ रिटर्न होम फ्रॉम द मार्केट क्राइंग अ हैवी बास्केट। नाउ हियर इज द शॉर्ट समरी विच इज टेल अबाउट द व्हाट हैपनिंग नेक्स्ट। जब फार्मर की वाइफ घर पे आती है तो वो देखती है कि ओ मार्केट कैरिंग अ हैवी बास्केट, भरा हुआ बास्केट लेके घर पे वापस आते हैं। सी फाउंड द मोंगूस एट द एंट्रेंस ऑफ द हाउस विद द ब्लड ऑन हिज फेस एंड पाउस। अब जब वो वहाँ से मार्केट से वापस रिटर्न आती है फार्मर की वाइफ, तो वो देखते हैं कि मोंगूस जो है वो एंट्रेंस में दरवाजे के पास खड़ा है, होम के एंट्रेंस में खड़ा है, और उसके फेस के ऊपर और पैर के ऊपर खून लगा हुआ है। सी जम्प टू द कंक्लूजन दैट इट वॉज हर सन्स ब्लड एंड द मोंगूस वॉज द गिल्टी वन। और उन्होंने जैसे ही मोंगूस को देखा, उनको लग ही गया कंक्लूजन, उनको पता चल गया कि पक्का ये उनके बेबी का ही ब्लड है, और मोंगू को गिल्टी फील हो रही है, इसलिए वो यहाँ पे दरवाजे पे मेरा वेट करते हुए खड़ा है, पक्का इसने मेरे बेबी को मार डाला है। ओके, सो दिस इज दी अ स्टोरी द फ्रेंडली मोंगूस। व्हाट हैपनिंग नेक्स्ट वी विल लर्न इन अवर नेक्स्ट वीडियो। सो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।